तो टाइम हो रहा है 10:35, जैसा मैंने 6th को डिस्कस किया था, सेम चीज़ हो रही है कि 30 को इतना बुलिश मोमेंटम था, देन सीधे गैप डाउन हुआ 2% करीबन। तो जब मार्केट ने इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्विंग मिला है तो दिस विल गोना एक्ट एज अ रेसिस्टेंस। मैंने 6th को डिस्कस किया, अगर आपने वीडियो नहीं देखा आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो सेम चीज़ यहाँ हो रही है, यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है अभी मार्केट, उसी एरिया में कंसोलिडेट हो रहा है। अब यहाँ कॉल बाय करना चाहिए, पुट बाय करना चाहिए, तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये हम चेक कर रहे हैं ऑप्शन डाटा सेंसिबल में, सिंपल ऑप्शन चेन खोल रखी है मैंने। तो आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे पुट साइड ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज मतलब नीचे नहीं गिरेगा मार्केट, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, इतना कोई नेगेटिव नहीं है, दिस इज़ फार आउट ऑफ द मनी, तो इसको इग्नोर करो। देन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, पर इस तरह इंक्रीज नहीं हुआ, यहाँ की क्वांटिटी इंक्रीज देखो परसेंटेज वाइज, और यहाँ का देखो प्लस यहाँ नेगेटिव भी है, मतलब जिसने कॉल राइट किए थे उसने अपने सौदे बंद किए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये चीज़ भी हो रही है। तो ओपन इंटरेस्ट मेरे को दिखा रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि पुट राइटिंग में इंक्रीज़ हो रहा है। देन उसके बाद अगर मैं पुट राइटिंग अगर वैसे देखूँ कितना राइटिंग चल रहा है, तो आप देखोगे 18,000 पे सबसे ज़्यादा राइटिंग है कॉल साइड। देन उसके बाद 17,800 पे कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है, 116.1 लैक के अंदर है, वाइन लैक। एंड यहाँ पे देखोगे तो सबसे ज़्यादा राइटिंग 17,700 पे, देन 17,600 पे, तो आपको एक कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। जो 100 रुपये का चेंज है ना, 100 पॉइंट्स बहुत बड़ी चीज़ है निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी में 17,700 17,600 के अंदर कोई इतना डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 107 है और यहाँ 106 है, मतलब वही 1 लाख के आसपास का डिफरेंस है, पर इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा। अगर कोई समझो कि अगर ऐसा किसी को कन्फर्मिटी है या किसी को बिलीव है या फिर किसी को ऐसा लग रहा है कि मार्केट आज नीचे नहीं गिरेगा, तो किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पे अच्छी खासी राइटिंग होनी चाहिए। जैसे लोगों को कॉल राइटर को बिलीव है कि 18,000 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगा इतनी आसानी से, तो देखो राइटिंग कितनी बढ़िया हो रही है। पर अगर पुट साइड ऐसा बिलीव ऐसा फेथ दिख नहीं रहा ना किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पे, तो ये राइटिंग मुझे दर्शा रही है कि मार्केट नीचे भी गिर सकता है। तो ओवाई डाटा का परसेंटेज चेंज बोल रहा है कि मार्केट ऊपर, मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ पे कोई कन्फर्मिटी मिल नहीं रही है मेरे को, शो कर रही है कि मार्केट अभी भी नीचे गिर सकता है, एक रीटेस्ट कर सकता है, या फिर मे बी मार्केट नीचे जा सकता है। नहीं तो जैसे यहाँ पे राइटिंग हो रही है ना 18,000 पे, उसी तरह की राइटिंग यहाँ कहीं किसी एक स्ट्राइक पे होनी चाहिए थी, पर वो नहीं दिख रहा, लोगों को फेथ नहीं अभी भी। तो ना इसमें कॉल का बन रहा है बाय करने का, ना पुट का बाय करने का बन रहा है। प्लस अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ कंटिन्यू यहाँ पे कंसोलिडेट ही हो रहा है, साइडवेज में जा रहा है, तो यहाँ पे मिक्स सिग्नल मिल रहा है, ना मेरे को कॉल बाय का सिग्नल मिल रहा है, ना मेरे को पुट बाय का सिग्नल मिल रहा है, और ना ही ग्राफ मुझे कुछ शो कर रहा है, ग्राफ मुझे साइडवेज चल रहा है। तो इसलिए अभी हम कोई भी ट्रेड हमने लिया नहीं है, हम वेट कर रहे हैं एक कन्फर्मिटी का कि या तो ग्राफ कुछ दिखा है या ओपन इंटरेस्ट कुछ दिखा है। ये तो कन्फ्यूजिंग सिनेरियो है, तो फर्दर देखते हैं क्या होता है। अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो मैं इन्फॉर्म करता हूँ। सो टाइम हो रहा है 1:06। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा है, मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ बनाया था कल, और एक रेक्टेंगल इन दो के लो को मिला के बनाया था, और कल हमारा लॉस बुक किया था हमने इस ट्रेड में 7th को। अगर देखा नहीं है तो प्लीज़ चेक इट आउट। तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, देखो जो कल मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था 6th के स्विंग्स को लेके, सेम उसी रेक्टेंगल के ऊपर अभी हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आप, मैं नॉर्मल पूछता हूँ, आप इस ऑप्शन डाटा को देख के मेरे को बताना के लेट इट ओपन, ओके। सो कॉल राइटिंग ज़्यादा चल रही है, पुट राइटिंग कम है, यानी कि मार्केट नीचे गिरेगा, है ना। अब आज थर्सडे भी है, आज वैल्यू भी ज़ीरो होगी इन सबकी, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, अगर आप 3% वाले हो तो आप क्या करोगे? पैसा तो गिने चुने लोग भी बनाएंगे, सब लोग तो पैसा कमा नहीं सकते, किसी को गंवाना भी पड़ेगा। तो सोचो अगर आप बड़े लोग हो, आपके पास पैसा बहुत है, तो आप आज पैसा कैसे कमाओगे? पहले आपने कॉल राइटिंग की, और कॉल की राइटिंग ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर, वॉल्यूम ज़्यादा है, मार्केट नीचे आने लगा, नीचे आने लगा। फिर हम जैसे जो हैं, जो 97% के अंदर आते हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन 97% ने भी यहाँ पे पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग स्टार्ट कर दी, तो वो लोग भी यहाँ पे कॉल राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग आज थर्सडे तो जीरो हीरो खेल जाएंगे, टाइम भी 1:07 हो गया है, तो 1:07-1:08 माने कि हीरो जीरो का आज पक्का ट्रेड बढ़िया बनेगा, कम प्रीमियम में मिल जाएगा ट्रेड आपको, कम से कम प्रीमियम में, और वो लोग आएंगे पैसा डबल ट्रिपल करने एक ही दिन में, तो वो लोग भी है। अब वो लोग जब ये 97% वाले जब यहाँ पे एक्टिव हो रहेंगे इस स्ट्राइक प्राइस पे यहीं कहीं, ठीक है, प्रीमियम में,
और अब आप 3% वाले हो, आप पहले नीचे लेके आए, अब आप इनको यहाँ पे करोगे ट्रैप और यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे पुट राइट करना, और जब तक उन्हें समझ में आएगा कि आप वो लोग ट्रैप हो रहे हैं तब तक वो ट्रैप ऑलरेडी हो चुके होंगे मार्केट में। तो मेरे को यही दिख रहा है कि यहाँ से सपोर्ट लेके जब ऊपर जाएगा तो मैं यहीं पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, कॉल बाय करूँगा, टारगेट मेरा रखूँगा यहाँ तक, ठीक है। अब फर्दर देखते हैं क्या होता है। सो अब मैं बाय करने जा रहा हूँ कॉल, जैसा मेरे को लग रहा था वैसा ही हो रहा है, लेट्स बाय, कैंडल क्लोज होने देंगे अपन। फिफ्टी फाइव सेकेंड्स पे ऑर्डर पंच करते हैं, यस बाय। सो हमने यहाँ पे इस कैंडल पे कॉल बाय कर लिया है, स्टॉप लॉस हम इसके नीचे लगाएंगे यहाँ पर कहीं, तो यहीं पे भी 2-3 पॉइंट्स इससे नीचे की तरफ हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। फर्दर देखते हैं क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है या प्रॉफिट, लेट्स सी। सो टाइम हो रहा है 2:28, क्या क्लासिक ट्रैप बनाया है लोगों ने। सो अब हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, हमारा स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस 159 था जो कि 750 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था आज, तो अब हम इसको हम ट्रेल करके इस जगह पे कहीं ले आएंगे, ठीक है। फर्दर क्या होता है, नोटिफाई करता हूँ, और हमारा टारगेट आज का हाई है, मेरे को हाई चाहिए क्योंकि 17800 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, तो मैं इसके ऊपर तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बट आज का हाई अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, अदरवाइज़ हम 2:55 PM पे शार्प तक एग्जिट कर ही देंगे, लेट्स सी। सो टाइम हो रहा है 2:53, हमारा टारगेट हिट हो गया है, हम 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे, जब तक टिक मार्क मार लेते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं था, सी इतना सब कुछ हुआ पर हमने ट्रेड नहीं लिया, हमने अपने प्राइस पे आने का वेट किया, तो फर्स्ट हमने रूल फॉलो किया है, सेकेंड रूल की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। थर्ड रूल OI डाटा चेक, हमने OI डाटा चेक करके ही इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, उसके बिना नहीं किया है। किस तरह देखो ट्रैप बनाया था पूरा मैंने बताया, एंड उसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाया था, इवन स्टॉप लॉस ट्रेल भी किया हम लोगों ने, ठीक है। अब एग्जिट करेंगे तो एग्जिट हमें टारगेट कर रहे हैं, इवन 2:55 भी हो गया टाइम, तो अपना टाइम भी आ गया, एंड वन ट्रेड पर डे, अब क्या ही ट्रेड लेंगे। तो हम अब अपना प्रॉफिट बुक करने जा रहे हैं, कैंडल को क्लोज होने देते हैं, मैं ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ जब तक। सो देखा हमने कितने अच्छे से सारे रूल्स फॉलो किए हैं। आप ऐसे फोमो मत लाया करो, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए, कहीं भी रैंडम ट्रेड्स ले रहे हो यहाँ वहाँ, वेट करो, OI डाटा चेक करो एंड देन ट्रेड लो। कितना क्लासिक एग्जांपल दिया है मैंने OI डाटा का कि कैसे ट्रैप क्रिएट करते हैं ये। लेट मी बुक द प्रॉफिट नाउ, ओके सो लेट तो हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है इस कैंडल पे, वेट ओके रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। सो हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है इस वाली कैंडल की क्लोजिंग पे, अब मार्केट कहीं भी जाए हमें इंटरेस्ट नहीं, प्लस हमारा टाइम भी हो गया था 2:55, तो आज 2:55 प्लस टारगेट दोनों साथ ही हिट हुए हैं। अगर एंट्री एग्जिट दिखाई जाए, प्रॉफिट इतने का हुआ है, एंट्री एग्जिट देख लेते हैं। सो 114 पे ट्रेड लिया गया कैंडल क्लोज होने पे, एंड 2:55 पे कैंडल क्लोज होते ही मतलब कि एग्जिट कर दिया गया अपना ट्रेड। सो ये आज हमारा ट्रेड था, आई होप आपको कुछ लर्निंग मिल रही है, कुछ लर्निंग मिली तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।